भोजपुरी स्टार पवन सिंह बोले, मैं लड़ूंगा लोकसभा चुनाव। सोशल मीडिया पर ऐलान, राजा से टिकट की चर्चा, बीजेपी का ऑफर ठुकरा चुके हैं। भोजपुर एक्टर पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बुधवार को एक्स पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पवन सिंह ने लिखा है, मैं अपने आप समाज, जनता, जनार्दन और मां से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। आप सभी का आशीर्वाद एवं सहयोग अपेक्षित है। राजनीतिक यहाँ चर्चा भी जोरों पर है कि पवन सिंह को राज्य से टिकट मिल सकता है। कुछ दिनों पहले भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने आसनसोल से बीजेपी की टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उन्होंने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूँ। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश में आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। चर्चा है कि पवन सिंह आरा से टिकट चाहते थे। जनवरी महीने में उन्हें इशारा भी किया था कि अगर आरा से टिकट मिलेगा तो वे चुनाव लड़ेंगे, इसकी पूरी तैयारी है। सूत्रों की माने तो पवन सिंह आरा से और काराकाट इन्हीं दो सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल यह साफ नहीं हुआ है। पवन सिंह को भाजपा ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लोकसभा प्रत्याशी बनाया था। पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा कई माह से चल रही थी। भाजपा कार्यालय की ओर से 16 राज्यों के 195 प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट में उनका भी नाम था। पवन सिंह ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि ये बंगाल के लोगों की ताकत है, यहाँ खेला शुरू होने से पहले खेला हो गया। बीजेपी सांसद आरके सिंह ने भी आरा से दावा ठोका। बीजेपी की टिकट से पवन सिंह आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन आरा लोकसभा से दो बार के सांसद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान साफ कह दिया कि वो यही से चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद से पवन सिंह का आरा लोकसभा से चुनाव लड़ना मुश्किल दिखने लगा है। पवन सिंह अभी आरा में नहीं है।